नमस्कार, आपका स्वागत है द टाइम्स मीडिया के प्रोग्राम में। आज हम बात करने के लाए हैं डॉक्टर आलोक झा से। हर हम इनसे जानेंगे आपकी बात को, किस तरह से हमें कोरोना वायरस से लड़ाई करनी है, और हम उन वर्डों को भी यूज करेंगे जो आए दिन सोशल मीडिया में सुनने को मिलता है। आइसोलेशन उसको कहते हैं जहां हम बीमार व्यक्ति को अलग थलग करके रखते हैं स्वस्थ लोगों से, ताकि बीमारी फैले ना। और क्वारंटीन है जब हम स्वस्थ व्यक्ति को, जिसको बीमार व्यक्ति से कहीं एक्सपोजर हुआ है, उसको एक अलग थलग करके और निगरानी में रखते हैं, ताकि उसमें बीमारी के लक्षण निकलने पर उसका इलाज किया जा सके। इसको क्वारंटीन बोलते हैं। सर, तो ये कितने दिन का पीरियड होता है क्वारंटीन? निर्भर करता है कि डिजीज़ का इंक्यूबेशन पीरियड कितना है। इंक्यूबेशन पीरियड वो पीरियड होता है जिसमें वायरस आपके शरीर के अंदर मौजूद तो होता है, परंतु कोई लक्षण नहीं दिखते हैं। इन्फेक्शन ऐसी अवस्था में, ऐसे इंक्यूबेशन पीरियड में इन्फेक्शन एक मरीज से दूसरे मरीज को फैलता रहता है, लेकिन व्यक्ति जो है वो बिल्कुल सामान्य दिखता है, उसमें बीमारी के कोई लक्षण नहीं दिखते हैं, जैसे हम और आप हैं ऐसा ही दिखता रहता है। और इसलिए ये उस पीरियड, वो जो मैक्सिमम पीरियड ऑफ इंक्यूबेशन है, वहाँ तक, उस पीरियड तक हम लोग क्वारंटीन में स्वस्थ व्यक्ति को रखते हैं। कई बार ऐसा सुनने को मिलता है कि वेंटिलेटर पर पेशेंट चले जाते हैं, तो वेंटिलेटर पर कौन से पेशेंट जाते हैं, क्या कंडीशन उस समय होता है पेशेंट को जब वेंटिलेटर पर डालते हैं जो कोरोना वायरस से? कोरोना वायरस अमूनन 90% केसेस में एक सामान्य कफ, खांसी, जुकाम की तरह, नज़ला जुकाम की तरह ठीक हो जाता है। बट जो 10% केस हैं उसमें वो उसकी बीमारी धीरे धीरे बढ़ती है, और उसके जो प्रारंभिक लक्षण हैं वो हैं निमोनिया के। निमोनिया के बाद एक स्टेज आता है जब निमोनिया और सीरियस हो जाता है, तो उसको बोलते हैं ARDS, एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम। सामान्य भाषा में हम लोग ये बोल सकते हैं कि जब मरीज को सांस लेने में दिक्कत होना शुरू हो जाए और शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा, जो हम लोग सामान्य एक पल्स ऑक्सीमीटर से चेक करते हैं, 90 से कम हो जाए और सांस लेने की गति बहुत बढ़ जाए, जैसे 30 से ऊपर हमारी भाषा में बोलते हैं कि सांस लेने की गति बढ़ जाए, वैसे मरीज को, कोरोना के मरीज को वेंटिलेटर की ज़रूरत पड़ती है। मतलब कि जो सांस की नली में कुछ ऐसा सिम्टम्स आता होगा तो डॉक्टर उसको डालते होंगे? हाँ, सांस की नली में ऐसा सिम्टम आता है कि फेफड़े में सूजन हो जाती है, और फेफड़े में अंदर में कंसोलिडेशन, जिसको सामान्य भाषा में बोलते हैं पानी भर जाना, बट एक्चुअली ये पानी नहीं होता है, एल्वियोलाई जो हैं उसमें एक फ्लूइड जमा हो जाता है, एक्सुडेट नाम का फ्लूइड होता है, और जिसके चलते ऑक्सीजन जो है वो एल्वियोलाई से खून तक नहीं पहुँच पाता है, और मरीज के खून में ऑक्सीजन की काफ़ी कमी हो जाती है। चलिए, एक बात तो हमें पता चला कि बॉडी में ऑक्सीजन की कमी हो जाने से उसको वेंटिलेटर पर डाल देते हैं, और उसके बाद वो रिकवर होता है तो फिर वापस लाते हैं। बहुत लोगों को देख रहे हैं कि सोशल डिस्टेंस का मतलब नहीं समझ पा रहे हैं, कहीं जा रहे हैं वो सामान ले रहे हैं, फिर अपना घर से आ रहे हैं, हमको नहीं होगा, हमको, मेरा इम्यूनिटी बहुत स्ट्रांग है, तो इम्यूनिटी स्ट्रांग करने का कोई पैरामीटर है, कैसे चेक करते हैं? इम्यूनिटी स्ट्रांग करने का, चेक करने का कोई पैरामीटर नहीं है, बट कोरोना किसी को भी हो सकता है, बट कोरोना के गंभीर परिणाम उस मरीजों में होते हैं जिनमें इम्यूनिटी कम होती है या जिनमें रोग से लड़ने की क्षमता कम होती है, और ऐसे मरीज वो हैं जो दिल के मरीज हैं, या डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, साथ में ऐसे लोग जिनकी उम्र 65 साल के पार है, उसमें इम्यूनिटी धीरे धीरे कम होती जाती है। तो ऐसे हमारे सीनियर सिटीजन जो अन्य दूसरी बीमारियों से ग्रसित हैं, उनमें इससे लड़ने की क्षमता कम हो जाती है और उनकी इम्यूनिटी को हम कम मानते हैं, और उसमें इस रोग के गंभीर लक्षण ज़्यादा पाए जाते हैं बनिस्पत एक यंग आदमी से। सर, आए दिन ऐसा देखा जा रहा है कि कोरोना वायरस को लेके बहुत लोग हेल्प कर रहे हैं, तो आप लोग अगर जाते हैं हॉस्पिटल्स में तो घर आके क्या क्या प्रिकॉशन लेते हैं? घर आके सबसे पहले, घर के बाहर ही हम लोगों ने लिक्विड सोप रखा हुआ है,
ताकि हम लोग बाहर हाथ धोएं और फिर घर में घुसें। घर में घुस के मास्क सबसे पहले हटाते हैं और कपड़ों को चेंज करते हैं, और वो सारे कपड़े गर्म पानी में धुलने के लिए चला जाता है, और वापस आके हम लोग एक स्नान करते हैं, फिर हम लोग अपने जो माता पिता हैं या घर में जो बुज़ुर्ग हैं उनसे फिर मिल पाते हैं, अदरवाइज़ हम लोग नहीं मिलते हैं। हाथ धोने से क्या होता है, अगर कहीं कोरोना से संक्रमण हुआ है तो वो आपके हाथ से ही सबसे ज़्यादा कॉन्टैक्ट टू कॉन्टैक्ट ट्रांसमिशन सबसे ज़्यादा होता है, तो हम लोग उसको वहीं पर ब्लॉक करने की। जो लोग बाहर जा रहे हैं वो हर घंटे सैनिटाइज़र या हैंड वॉश का प्रयोग अवश्य करना चाहिए, और आँख मुँह छूने से पहले तो ज़रूर हाथ धोना चाहिए या सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करना चाहिए। डॉक्टर साहब से बात करने के बाद आपकी जितने भी क्वेश्चन से आपको सही आंसर मिल गया होगा। बने रहें thetimesmedia.com पर। आप हमें फेसबुक और यूट्यूब पर भी देख सकते हैं।